सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बंडवार। बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर दूध फैक्ट्री से अमोनिया गैस के लीकेज की वजह से लगभग 100 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है और आनन फानन में सभी को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की इस घटना में मौत भी हो चुकी है। दरअसल देखा जाए तो डेयरी फैक्ट्री में अमोनिया गैस का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है और ऐसे में एक बड़ी लापरवाही बिहार के वैशाली जिले से सामने आई है, जहां पर 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया और सभी को आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस खबर को लेकर अब अपडेट ये सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि फिलहाल जो अस्पताल में एडमिट लोग हैं उनकी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। वहीं तुरंत ही वैशाली के डीएम की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, कैंप किया जा रहा है और लगातार इस मामले में निगरानी बनाई रखी जा रही है। पूरी खबर को लेकर बताएं तो बताया जा रहा है कि बिहार के वैशाली में गैस लीक कांड से हड़कंप मच चुका है। जानकारी के मुताबिक एक दूध फैक्ट्री में अमोनियम गैस पाइप फटने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे एक मजदूर की मौत भी हो गई है। वहीं 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। अकेले हाजीपुर सदर अस्पताल में 40 से ज्यादा मरीज भर्ती कराए गए हैं। हाजीपुर के कई निजी नर्सिंग होम में 50 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं 20 से ज्यादा मरीजों को पटना रेफर कर दिया गया है। देखा जाए तो इस तरह से पहले भी खबरें निकलकर सामने आई है और पहले भी अमोनिया गैस के लीकेज की खबर निकलकर सामने आई थी, जिससे कई लोग प्रभावित हुए थे और एक बार फिर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अमोनिया गैस के लीकेज से आसपास के इलाके भी प्रभावित हुए हैं। लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र में अमोनिया गैस लीकेज की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई ऐसे लोग थे जो बीमार हो गए, कई लोगों की जो फैक्ट्री से ज्यादा नजदीक थे उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई, जिस वजह से आनन फानन सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित राज डेयरी फैक्ट्री में ये जो हादसा है ये देर रात घटा था, जहां पर लीकेज होने से हड़कंप मच गया। गैस लीक होने से पहले 10 कर्मी इसकी चपेट में आए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जिसके बाद ये आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता गया और 100 से अधिक लोग इससे प्रभावित हो गए। इस घटना की सूचना के बाद आनन फानन में डीएम एसपी सभी मौके पर पहुंचे और फिलहाल हालात को नियंत्रण करने की कवायद तेज कर दी गई है। फिलहाल हालात सामान्य भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दमकल की 3-3 गाड़ी से पानी की बौछार कर गैस लीकेज को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि गैस की दुर्गंध शहर के कई इलाकों तक फैल गई, वहीं कई जगहों पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ने लगा। बताया जा रहा है कि गैस का रिसाव होने से इसका असर 4 किलोमीटर दूर तक देखने को मिला। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और साथ ही साथ 100 लोगों की गंभीर पैच और साथ ही साथ 100 लोग गंभीर रूप से इससे प्रभावित हो गए, जिसके बाद आनन फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं कई ऐसे लोगों को राजधानी पटना भी लाया गया है। एक बड़ी लापरवाही बिहार के वैशाली से सामने आई है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। लगातार इस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो पुलिस प्रशासन कहे या फिर फैक्ट्री प्रबंधन पर खासतौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले की, जब जांच की जाएगी तो आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।